प्यारे बच्चों, हमारा जो विषय चल रहा था अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, उसी विषय में हमारा आज का टॉपिक है भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती यानी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। बच्चों, जब एक बैंक बिलों को भुनता है, बिलों को भुनने का अर्थ क्या है कि कोई देनदार विक्रेता को एक बिल देता है जिस पर कुछ 3 महीने 6 महीने आदि की अवधि निश्चित होती है कि 3 या 6 महीने के बाद वो राशि नकदी में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन विक्रेता इन बिलों को बैंक के पास जमा करवा देता है, बैंक को पैसे निर्धारित अवधि पर ही मिलने होते हैं, लेकिन वो ग्राहकों को इस पर एक निश्चित दर से कटौती काट कर नकद पैसे दे देता है। परंतु इन भुनाए गए बिलों में से कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो वर्ष के अंत तक भुगतान के लिए परिपक्व नहीं होते। परिणाम स्वरूप ऐसे बिलों के संबंध में अर्जित ब्याज को पूर्ण रूप से चालू वर्ष के दौरान अर्जित नहीं माना जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से 1 मार्च 2019 को एक 3 महीने का बिल भुनाया जिस पर बैंक ने 600 रुपये कटौती के लिए। खाते बंद होने की तिथि प्रतिवर्ष 31 मार्च है। इस बिल के परिपक्व होने की तिथि 31 मई 2019 है। तो इस दशा में चूंकि 600 रुपये 1 मार्च को ही कटौती खाते में क्रेडिट कर दिए गए होंगे, जिन्हें अप्रैल 2019 व मई 2019 से संबंधित कटौती जो 200 रुपये प्रति माह की दर से 400 रुपये आती है, अगले वर्ष से संबंधित है। अतः ये 400 रुपये बुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती है। यह ऐसी आय है जो इस वर्ष प्राप्त हो गई है परंतु कमाई नहीं गई है, इसे भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती कहते हैं। भुनाए गए बिलों पर कटौती बैंक के लिए आय है। अंतिम खातों के नए प्रारूप के अनुसार इसे लाभ हानि खाते की अनुसूची नंबर 13 यानी जो इंटरेस्ट अर्न्ड के नाम से थी, उसमें इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स शीर्षक में जोड़ा जाता है। अतः वर्ष के अंत में असमाप्त कटौती की राशि यदि समायोजनों में दी हुई हो तो एक बार इस शीर्षक में से घटाई जाएगी और दूसरी बार यह राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष की शेड्यूल नंबर 5 में दिखा दी जाएगी। इसके लिए हमें एक प्रविष्टि करनी होती है बच्चों कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट यानी कि विद द अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, जो राशि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की है। बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। बच्चों, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि 31 मार्च 2014 तक एक बैंक से निम्न बिल भुनाए गए थे। आपको पता है कि अवधि जो है 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर बिलों के अंदर ड्यू डेट दी गई है, डिस्काउंट की रेट दी गई है और समय अवधि दी गई है। देखिए, हम अब गणना करते हैं। इसने पूछा आपसे क्या है कि बिल पर असमाप्त कटौती की गणना कीजिए और 31 मार्च 2014 को आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। लाभ हानि खाते में दिखाई जाने वाली राशि की गणना भी कीजिए। देखिए, हम सॉल्यूशन पा रहे हैं, सामने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन को 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कॉलम में ड्यू डेट, अगले कॉलम में नंबर ऑफ डेज फॉलिंग आफ्टर 31 मार्च 2014, अमाउंट, फिर रेट, फिर प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट फॉर डेज फॉलिंग आफ्टर 31 मार्च 2014 और टोटल डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। पहले कॉलम में जो आपने ड्यू डेट लेनी है, इसमें आपने 3 दिन का ग्रेस पीरियड डाल देना है। जैसे पहला बिल 10 जनवरी 2014 को 4 महीने के लिए लिखा गया। देखिए, 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल और 10 मई को 4 महीने हो जाते हैं। इसमें 3 दिन और जोड़कर हम ड्यू डेट दिखाएंगे 13 मई 2014। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फॉलिंग आफ्टर 31 मार्च 2014 कितने हुए, 31 मार्च के बाद देखिए 30 दिन अप्रैल के और 13 दिन मई के, 43 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉलिंग डेज आ गई। उसके बाद अमाउंट कितनी है इसकी, 20,000 रुपये की है। इस तरह इसकी रेट 16% है। पहले लास्ट कॉलम में आइए जिसमें लिखा है टोटल डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। देखिए, 20,000 रुपये का बिल, कुल समय 4 महीने, 20,000 गुना आपका 4 महीने के लिए गुना 16/100, आप जब इस पर ब्याज की गणना करेंगे तो ब्याज की राशि 1,067 रुपये निकलेगी। ठीक है बच्चों, 1,067 रुपये ब्याज की राशि निकलेगी। अब हमने देखना है कितने ब्याज इसमें आपका वह रहा जो आपका 31 मार्च 2014 के बाद की अवधि का हुआ। देखिए, गणना करेंगे, राशि वही 20,000 रुपये, दर 16% और दिन कितने निकले फालतू, आपने निकाले 43 दिन, तो गुना 43/365 दिन से भाग करके गणना कीजिए, यह राशि 377 रुपये निकलती है। इसी तरह आप 18 अगस्त वाले को करोगे जिसमें 144 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं। आप 25 मई वाला करेंगे जिसमें दिन 55 एक्स्ट्रा निकलते हैं। लेकिन जब चौथे बिल पे हम आते हैं, देखिए उसकी 16 अक्टूबर का बिल है और वो 5 महीने का है।
अगर गणना करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 16 मार्च प्लस 3 दिन ग्रेस के, 19 मार्च को इसकी अवधि समाप्त हो जाती है। इसलिए इसमें कोई भी डेज फॉलिंग आफ्टर 31 मार्च नहीं बचते हैं। इसलिए हमें इसमें प्रोपोर्शनल डिस्काउंट की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, कुल डिस्काउंट की हम गणना कर लेंगे। टोटलिंग करेंगे तो टोटल डिस्काउंट आता है 4384 रुपये, और जो डिस्काउंट आपका प्रोपोर्शनल डिस्काउंट फॉर डेज फॉलिंग आफ्टर 31 मार्च है वो 2465 रुपये आता है। हम दोनों का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर आता है 1919 रुपये, यानी कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी शोन इन शेड्यूल नंबर 13 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपकी 1919 रुपये है। इसके लिए हमें छोटी सी गणना करनी होगी, छोटी सी जनरल प्रविष्टि करनी होगी, हम कह लीजिए जनरल प्रविष्टि आपके सामने है। देखिए हम साल के अंतिम दिन 2014 के 31 मार्च को एंट्री डालेंगे कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, यानी कि कितनी एंट्री फालतू राशि की होगी आपका, कितनी एंट्री 2465 रुपये की एंट्री फालतू हुई है, हमने 2465 रुपये की एंट्री कर दी कि 2465 रुपये एंट्री नरेशन क्या हुई कि एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। इस तरह से आपका असमाप्त कटौती की राशि की प्रविष्टि समाप्त हो जाती है।